जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको बताती हूँ कि शिवजी को भोलेनाथ क्यों कहते हैं। भोलेनाथ कहने के पीछे बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, उनमें से एक यह भी है। सुनिए, भगवान शिव ने कभी अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया। चाहे कोई मनुष्य हो या कोई असुर, जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है, भगवान शिव उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। प्राचीन काल में एक असुर था जो संसार का सबसे ताकतवर असुर बनकर सबको अपना अधीन बनाना चाहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह जानता था कि भोलेनाथ को तप द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है, इसीलिए शिवजी से वरदान पाने की लालसा में उसने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। भस्मासुर के कठोर तप ने कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव को भी हिला दिया। शिवजी तपस्या में लीन भस्मासुर के समक्ष प्रकट हो गए और उसे आंखें खोलने के लिए कहा। एक समर्पित भक्त की तरह भस्मासुर भगवान शिव को देखकर उनके सामने नतमस्तक हो गया। फिर भगवान शिव बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बेहद प्रसन्न हूँ, मांगो जो इच्छा है तुम्हारी। भस्मासुर को इसी पल की प्रतीक्षा थी। वह बोला, प्रभु मुझे अमरता का वरदान दीजिए, मैं हमेशा ही पृथ्वी पर रहूं और मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इस पर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी मांग पूरी तरह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि जो भी प्राणी जन्म लेता है वह एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर उसे जाना पड़ता है। यह वरदान मैं नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांग लो। इस पर भस्मासुर ने अपनी मांग बदल दी और भगवान शिव से दूसरा वरदान मांग लिया कि जब भी वह किसी के सिर पर अपना हाथ रखे तो वह व्यक्ति भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने उसे ये वरदान दे दिया, लेकिन भस्मासुर को यह वरदान देना उनके लिए आफत बन गया, क्योंकि उसने सोचा कि सबसे पहले मैं भोलेनाथ के सिर पर ही हाथ रख दूं, जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा। शिवजी अपने दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्हें भस्मासुर से अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा। भगवान शिव इसी अचमंजस में थे कि वे किस प्रकार भस्मासुर से छुटकारा पा सकते हैं। तभी उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान आया। भगवान शिव का आह्वान सुनकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। इधर भस्मासुर शिवजी को ढूंढ रहा था कि तभी उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी और भस्मासुर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। वह यह भी भूल गया कि वह भगवान शिव को खोज रहा था। भस्मासुर एक टक उस स्त्री को ही निहारता रहा। फिर उसने उस खूबसूरत स्त्री से उसका नाम पूछा। उस स्त्री ने बताया कि वह मोहिनी है। भस्मासुर मोहिनी के मोह में पड़ चुका था। उसने मोहिनी से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मोहिनी उसका प्रश्न सुन हंस पड़ी और बोली, मैं एक नृत्यांगना हूँ, मैं केवल उसी पुरुष से विवाह करूँगी जो मेरे साथ नृत्य कर सके। भस्मासुर तो एक असुर था, उसे नृत्य का कोई ज्ञान नहीं था, परंतु मोहिनी को पाने के लिए वह उसके साथ नृत्य के लिए भी तैयार हो गया। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा, मुझे नृत्य नहीं आता, परंतु तुम मुझे सिखाओगी तो मैं कुछ ही पल में अद्भुत नृत्य करने लगूंगा। बस मोहिनी को और क्या चाहिए था, वो नृत्य करने लगी और भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगा। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर यह भूल गया कि स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से वह स्वयं भी भस्म हो सकता है। मोहिनी के मोह पास में बंद कर वह भगवान शिव का वरदान भूल गया और अपने सिर पर हाथ रखते ही भस्म हो गया। फिर मोहिनी का क्या हुआ? वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही थे। भगवान शिव को यूं ही भोलेनाथ नहीं कहा जाता, वो तो है ही भोलेनाथ।
ऐसे है मेरे भोलेनाथ। जो भी कोई शिव जी की कथा श्रावण मास में सुनता और पढ़ता है उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले।